प्रिजन में नकुल ने उनके ड्रग्स रखने से मना कर दिया। नकुल पर थ्रेट है सावी। पापा घर वापस आ रहे हैं। कब? बहुत जल्दी। हर ताले की चाबी है, बस बनाने वाला चाहिए। बेस्ट है, बाकी जो है वो तो हर एक नेक्स्ट मूव पे वो डाउट में डाल देती है, क्या है क्या नहीं। हाँ, सस्पेंस भरी पूरी मूवी है। बाकी बीच बीच में अनिल कपूर सर ने कॉमेडी वाला सीन किया, वो बेस्ट है, वो सबको पसंद आया। लग रहा था बीच में जब मूवी स्टार्ट हुई है तो यार थोड़ा सा बोरिंग से हो गया, जब अनिल कपूर जब आते हैं किसी भी कोई मूवी में आते हैं तो एक अलग सा चेहरे पे स्माइल होता है, लोगों के चिल्लाने की ऑडियंस की आवाज आती है, तो आपको कैसा लगता जब अनिल कपूर? बाकी अनिल कपूर सर तो आया तो बेस्ट था। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं एंग्री टाइप या फिर सो फिल्म देखिए सावी एंड सस्पेंस थ्रिलर के नाम से इस फिल्म को कैश किया जा रहा है। ट्रेलर इसका जो था सस्पेंस थ्रिलर के हिसाब से था। सो फिल्म जब शुरू होती है तो लगता है कि भाई कोई अच्छा हमें देखने को मिलेगा सस्पेंस। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है लेकिन सेकंड हाफ में स्पीड पकड़ती है कहानी। और मूवी तो भैया हाउस वाइफ अपने पति को अपने बच्चे को अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वो इसमें दिखाया है। दिव्या खोसला कुमार की एक्टिंग में इतना चेंज है, इतनी मैच्योरिटी है कि मतलब प्यार हो गया है उनसे। बहुत जबरदस्त कैरेक्टर में रोल में हर एक रोल में फिट आ रहे हैं। बाकी बहुत ही अच्छा था देख के, बाकी सबको पसंद आया। फिल्म में थोड़ी ज्यादा थी कि एक्टिंग को 10 में से कितना रेट जब आपको दिखेंगे स्क्रीन आउट ऑफ 10 तब तक फिल्म में एक जान सी आपको महसूस होगी। और यही एक बात होती है यार, इतने साल से आप एक्टिंग कर रहे हो वो दिखता है। एनिमल फिल्म में भी अनिल कपूर ने जो काम किया था रणबीर कपूर के फादर का, वो एक अलग ही छाप छोड़ के जाता है। यही एक फर्क होता है एक दिव्या खोसला कुमार आज के जनरेशन के एक्टर में और उस एक्टर में जो इतने सालों से हमें अटेंड करते आ रहे हैं। So, काफी कमाल का उन्होंने मतलब जो उनकी लुक दिखाई है अनिल कपूर की वो एकदम, अरे यार हॉलीवुड का एक्टर भी रह चुके हैं, सो अच्छा लगा मुझे उनका। क्या लगता है पब्लिक को देखने जाना चाहिए तो क्या मैसेज दोगे क्योंकि आपने ये मूवी देखी? देखिए मैसेज तो सबसे बढ़िया है फिल्म में ये है कि एक हाउसवाइफ अगर अपनी फैमिली को बचाने पे आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। सो ये हाउसवाइफ के लिए है फिल्म में, जितने भी हाउसवाइफ्स होती हैं जो भी फैमिली वाली हैं उनको बहुत पसंद आएगी, तो जरूर जाइए देखिए यार अच्छी फिल्म है।